ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर रहता होगा, उसके मल भी गिरे हुए हैं। पास सामने गन्ने का खेत है और यहाँ पे एक झोपड़ी भी है, ये देख सकते हो पूरा ही जंगल है। तो अभी ये जगह देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ का पे, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर रहता होगा, इसलिए ये इतना यहाँ पे साफ़ सुथरा है बोल सकते हो, झाड़ियाँ भी नहीं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहीं पे हम अपना टेंट लगाएंगे, बसेरा बनाएंगे और यहीं पे हम नाइट स्टे करेंगे। एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, जो भी जानवर यहाँ पे रहता होगा, जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे उसके मल भी गिरे हुए हैं। एक बार ना इस जंगल के अंदर जाता हूँ और झाड़ियों के अंदर अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएँ, क्योंकि आगे मैं देख पा रहा हूँ कुछ पेड़ हैं जो खाने पीने के लिए हैं। तो एक बार अंदर जाता हूँ और देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए फल फ्रूट तो बढ़िया रहेगा। तो जैसा कि मैं अभी तक चेक कर पाया हूँ कि यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो लगे हुए हैं, अभी वो कच्चे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दूसरी जंगल में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि जो मैं दूसरी जंगल के बारे में बात कर रहा था आपको, वो सामने है जंगल, तो उस जंगल में चलते हैं। उसके पहले सफ़ेदा के पेड़ के जो बाग है उसमें जाके एक बार देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सफ़ेदा के बागीचे में आ गया था, लेकिन मुझे कुछ सामने दिख रहा है खाने पीने का जुगाड़, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गन्ने के खेत दिख रहे हैं और एक झोपड़ी भी दिख रही है। अगर वहाँ पे मेरे रहने का जुगाड़ हो जाए तो और भी बेटर है। तो एक बार उस साइड में चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो चारों साइड मतलब जंगल ही जंगल है या तो खंडर का इलाका है, ठीक है। तो एक बार हम उस साइड चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जस्ट पहुँचने ही वाला हूँ, ठीक है, इस गन्ने के खेत के पास। सामने गन्ने का खेत है और यहाँ पे एक झोपड़ी भी है जो कि बेस्ट है, ठीक है, रहने के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पे चलता हूँ और कुछ गन्ने तोड़ता हूँ खाने के लिए और फिर झोपड़ी के पास जाएंगे और हम आपको उसको परफेक्टली दिखाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, यहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये देख सकते हो पूरा ही जंगल है, पूरा का पूरा। अभी देख सकते हो ये जो गन्ने हैं इनके पेड़ देख सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, मतलब ये अभी तैयार नहीं हुए। इसमें अगर आपको गन्ना अगर खाओगे भी मतलब चुहोगे भी तो होगा क्या कि उसमें टेस्ट नहीं आएगा, तो मतलब क्योंकि ये कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं। तो अभी हमें कुछ और भी जुगाड़ करना पड़ेगा खाने पीने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये खेत देख सकते हो इसमें जो गन्ने हैं वो तैयार नहीं है। सामने झोपड़ी है, ठीक है मेरे, तो यहाँ पे एक मतलब झोपड़ी नहीं बोल सकते, इसको कैंप बोल सकते हो, एक छोटा सा जो बांस से बना हुआ है मुझे जो दिख रहा है अभी। तो इसके पास चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये और हम यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी मैं झोपड़ी के पास पहुँच गया हूँ, ये देख सकते हो आप, ठीक है, और ये होम मेड झोपड़ी है, होम मेड कैंप है ये कह सकते हो। तो एक्चुअल में देख सकते हो यहाँ पे किसान रहते हैं या तो ऐसा सो बना देते हैं अपनी रहने के लिए कि जानवर को लगे कि ये ऑलरेडी इसमें कोई बैठा हुआ है, तो खेतों में आने की हिम्मत नहीं करते हैं, ऐसा कहावत, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो इस साइड की झोपड़ी इंदर, ठीक है, ये होममेड झोपड़ी है पूरी, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप होममेड झोपड़ी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैंप करूँगा और यहीं पर नाइट स्टे करूँगा, क्योंकि यही बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे पानी भी मिल गया है, पीने के लिए तो काम नहीं आएगा लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने खाने को धुलने के लिए एंड ऑल, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे ना चढ़ के ट्राई करता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है, लेटने की इसकी मजबूत है कि नहीं है, बढ़िया से सब कुछ, ठीक है। तो देख सकते हो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा, मैं इजिली यहाँ पर लेट भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो सकता हूँ, ठीक है। तो
ऑलरेडी ये ऊंचाई पे भी है, तो होता क्या है ऊंचाई पे होने से फायदा ये है कि यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं आएगा, सांप बिच्छू कोई जानवर। तो फाइनली हमें यहाँ पे झोपड़ी मिल गई नाइट स्टे करने के लिए, खाने के लिए वहाँ पे गन्ने के खेत मिल गया है। तो फाइनली अभी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो और आपको पार्ट टू में नाइट स्टे मिलेगा, रात की वीडियो जो है वो दिख जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।